हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम फेरस मटेरियल टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो अपना अपकमिंग ALP CBDU एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयरन को देख लेते हैं। तो आयरन जो होता है अपना जो अपना आयरन होता है उसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है और एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, यह तो हो गया बेसिक चीज़ है। अब जो अपना आयरन होता है, ठीक है, आयरन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम लोग को मालूम है ये चीज़ कि जो अपना आयरन है वो अपना प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलती है, हमें क्या करना पड़ता है, उसके ओर से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आयरन के ओर होते हैं, ठीक है, उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ओर्स बेसिकली कुछ नहीं होता, जो अपना आयरन होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्सअप होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो प्रोसेसिंग करते हैं इसकी, और हम क्या फाइनल लास्ट में हमें इसका प्रोसेसिंग करने के बाद इसका प्योरेस्ट फॉर्म नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्स टू मैक्स 90-95% या 99% तक हम लोग क्या करते हैं, इसको प्योरीफाई कर लेते हैं अपना आयरन को, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग उसके ओर्स देख लेते हैं जिससे हम लोग अपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ गया कौन सा, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। जो अपना मैग्नेटाइट होता है ना उसमें आयरन की जो परसेंटेज होती है सबसे ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 74% जो होता है आयरन होता है, 74% आयरन होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe3O4, जो अपना केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4 होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कौन सा, हेमेटाइट। जो अपना हेमेटाइट होता है, ठीक है, तो हम लोग हेमेटाइट जो होता है इसमें जो अपना आयरन की जो परसेंटेज होती है वो 70% होती है, और इसका जो अपना जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, Fe2O3, ओके, हेमेटाइट। नेक्स्ट ओर है अपना कौन सा, नंबर 3, लेमोनाइट, ओके, Li, लेमोनाइट। जो अपना लेमोनाइट होता है उसमें अपना जो आयरन की परसेंटेज होती है 55% आयरन होता है, ठीक है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3+3H2O, ओके, Fe2O3+3H2O अपना इसका केमिकल फॉर्मूला होता है लिमोनाइट का। नेक्स्ट आ जाता है सैडराइट, ठीक है, सैडराइट। जो अपना सैडराइट होता है इसमें आयरन की जो परसेंटेज होती है नियर अबाउट 48% आयरन होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला होता है Fe O2, ओके। तो ये कुछ टाइप्स के हम लोग ने आयरन ओर्स देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ओर्स में बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हो गया अपना क्रशिंग हो गया, ठीक है, क्रशिंग हो गया, फिर हो गया अपना सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं उसको फर्नेंस के अंदर क्या करते हैं, हीट करते हैं, और फिर हमें मालूम पता है जो अपना फर्नेंस के अंदर हम लोग उसको हीट करते हैं, और फिर जो अपना जो फाइनल जो अपना आउटपुट होता है आयरन का उसमें हम लोग नियर अबाउट 95 से लेकर के 99% जो प्योर होता है कार्बन का सॉरी जो आयरन का जो इतना परसेंट तक हम लोग प्योर फॉर्म अचीव कर लेते हैं आयरन में, आयरन का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिग आयरन को। अब हम लोग को पिग आयरन क्या होता है ना, कि जब हम लोग जो उसका जो जो ओर है जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेंस से निकालते हैं, ओके, ब्लास्ट फर्नेंस, ये टर्म याद कर लीजिएगा कि अपना जो पिग आयरन होता है वो ब्लास्ट फर्नेंस से एक्सट्रैक्ट होता है, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है नियर अबाउट 6-7% होती है, ठीक है, और आयरन की परसेंटेज होगी 92-98% प्योर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज ब्रिटलनेस। अब इसका प्रॉपर देख लेते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम लोग मेटल में, ठीक है, जब हम लोग मेटल में कार्बन को ऐड करते हैं, तो अगर कार्बन की परसेंटेज अगर 2% से ज़्यादा है ना, तो कार्बन में ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, ठीक है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है।
और अगर 2% से कम हो तो हार्डनेस हो जाता है, और हम लोग जितना 0% के करीब पहुंचते हैं ना, कार्बन कार्बन को अगर 0% से के जितना करीब आएगा ना, उतना उसमें क्या होगा, सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, सॉफ्टनेस हो जा बढ़ जाएगी, या मतलब या फिर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो भी जो भी अपना मटेरियल होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज है नियर अबाउट 6 to 7%, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ब्रिटल नेस की प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कास्ट आयरन। तो अपना जो कास्ट आयरन होता है ना, वो होता है क्यूपेला फर्नेस से होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है, नियर अबाउट 3 to 4% कार्बन होता है, और जिसकी प्रॉपर्टीज है ब्रिटल एंड हार्ड होती है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो पिग आयरन की मेल्टिंग पॉइंट होती है 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और यहाँ पे जैसे ही अपना कार्बन परसेंटेज कम हुआ, ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, तो यहाँ पे होगा 1260 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रॉट आयरन। एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। तो ऑप्शन में अपना दिया होगा क्या, पिग आयरन हो गया, ठीक है, कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया। तो यहाँ पे जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, वो रॉट आयरन होता है। इसको हम लोग पडिंग फर्नेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम होती है, 0.15% कार्बन होता है। मतलब हम लोग जो आयरन की परसेंटेज की बात करें, तो यहाँ पे 99.85% प्योर जो अपना आयरन है वो हमें मिल जाता है। तब यहाँ पे देखिए कि जो अपना कार्बन की परसेंटेज है बहुत ही जीरो से बहुत पास है, मतलब ना के बराबर है, तो इसमें क्या होगा, सॉफ्टनेस या फिर डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी जो मटेरियल है, मेटल है, उसको हम लोग थिन शिफ्ट या फिर उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट करने की जिसमें प्रॉपर्टीज होती है, विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू थिन शीट और लॉन्ग वायर और थिन वायर। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की क्या हो जाएगी, मेलिएबल हो जाएगी और टेंसाइल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, फिब्रॉयड होता है। फिब्रॉयड होता क्या है, रेसेदार, ठीक है, रेसेदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम लोग फिब्रॉयड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, नियर अबाउट 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है हमेशा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के कम ही होगा रॉट आयरन का, ठीक है। होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्टील के बारे में। तो जो अपना स्टील होता है ना, आयरन प्लस कार्बन से बनता है, ठीक है। हम लोग ने देखा होगा जैसे जो अपना कुछ भी मटेरियल होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो वो जो होता है मेनली HCS, हमने देखा होगा HCS से बना होता है, ठीक है, या फिर LCS से बना होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, कि इसमें जो HCS LCS बोल लीजिए, ठीक है, ये वेरी करता है कार्बन की परसेंटेज से। तो अपना जो LCS होता है, लो कार्बन स्टील, जब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.15 to 0.3% कार्बन होती है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील। जो मेरा मीडियम कार्बन स्टील होता है ना, उसमें हमें 0.3 to 0.8% ऑफ कार्बन होता है। और जो अपना हाई कार्बन स्टील होता है, HCS होता है, उसमें 0.8 to 1.6% कार्बन होता है, ठीक है, 1.6 कार्बन होता है। अब जो अपना LCS होता है, जैसे अगर अगर मैं अभी हमने ऊपर देखा कि जिसमें लो कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसको हम लोग इजीली थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो अपना LCS का यूज़ हो गया वायर या फिर शीट बनाने के काम में LCS का यूज़ होता है। MCS का मेनली शाफ्ट और फ्रेम बनाने में होता है। और अब जो अपना जो HCS हो गया ना, HCS जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़, ठीक है, ऐसा चीज़ जिसमें हमें कंटिन्यूसली हैमरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा लोड लगता है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ को बनाने में हम लोग HCS का यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं ना कि डिफरेंट टाइप्स जो हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने देखा होगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर जो अपना डीज़ल मैकेनिक ट्रेड है पार्ट बी में जो अपना डीज़ल मैकेनिक ट्रेड है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए कि जो अपना सिलेंडर ब्लॉक है या फिर अपना जो वल्व है वो किससे बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अपना सिलेंडर ब्लॉक है। तो अपना सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है कि जैसे ये लोअर पोर्शन जो होता है ना, जहाँ पे जो अपना सिलेंडर के बोर्ड्स कटे हुए होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स कटे हुए होते हैं वो लोअर पोर्शन को हम सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर हेड को फिक्स करते हैं, ठीक है। और इस हेड में क्या होता है, अपना जो वल्व्स लगे हुए होते हैं, जो अपना कैम शाफ्ट होता है या फिर जो अपना कैम शाफ्ट हो गया, या फिर जो यहाँ पे जो अपना एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो होता है अपना, क्या होता है, सिलेंडर हेड पे फिक्स होता है। तो उसको हम लोग जो लोअर पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। तो जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो क्रे कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर लाइनर। तो जैसे अपना सिलेंडर लाइनर होता है ना, जैसे अपना सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर क्या होता है कि अब यहाँ पे पिस्टन मूव हो रहा है, ठीक है, इसमें अपना पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके सर्फेस में क्या होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टीयर होने की ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो अब जब अगर हमारा जो सिलेंडर में अगर वेयर एंड टीयर हो जाए तो हमें पूरा सिलेंडर को रिप्लेस करना पड़ेगा, अपना पूरा सिलेंडर ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, अपनी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग सिलेंडर लाइनर्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो एक लाइनर का हम लोग यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, किसमें, जो अपना पिस्टन रिंग और जो लाइनर्स होता है उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो अपना जो वेयर एंड टीयर होता है ना, वो बेसिकली सिलेंडर लाइनर में ही होता है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी वेयर एंड टीयर सिलेंडर लाइनर में होगा तो हम लोग क्या करते हैं, लाइनर को रिप्लेस करते हैं। तो लाइनर की रिप्लेस करना कम कॉस्टिंग हो गया इन केस ऑफ क्या, अपना सिलेंडर ब्लॉक को रिप्लेस करना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर लाइनर का यूज़ करते हैं। तो सिलेंडर लाइनर जो अपना है वो क्रोमियम आयरन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टन। तो पिस्टन जो होता है अपना कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम एलॉय से बनता है, ठीक है, कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम एलॉय। और कनेक्टिंग रॉड हो गया अपना निकल क्रोमियम स्टील से बनता है अपना कनेक्टिंग रॉड, ओके। जो अपना क्रैंकशाफ्ट होता है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट जो होता है अपना, जो पिस्टन का जो मेन जनरल बियरिंग होता है वो अपना क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो क्रैंकशाफ्ट का जो काम क्या होता है, अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना, ओके। तो अपना जो क्रैंकशाफ्ट हो गया वो निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील से बना हुआ होता है, ओके। नेक्स्ट है गजन पिन अपना माइल्ड स्टील से बनता है, और इसमें 4% निकल भी हम लोग मिक्स करते हैं। गजन पिन जो होता है ना, वो अपना कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए जो पिन का यूज़ करते हैं उसको हम लोग गजन पिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वल्व। तो वल्व अब जो अपना होता है निकल क्रोमियम स्टील से बनता है। जो अपना वल्व गाइड हो गया वो होता है किससे, कास्ट आयरन से बनता है। जो अपना कैम शाफ्ट हो गया वो निकल स्टील से बनता है। जो अपना कैम शाफ्ट है ना, उसमें कैम लोब बने होते हैं या फिर कैम बोलते हैं इसको, कैम फिक्स होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अपना वल्व टाइमिंग है उसको कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मेन एंड बिग एंड बियरिंग, ठीक है। तो अपना जो मेन बिग एंड जो बियरिंग होता है वो वाइट मेटल और लेड ब्रॉन्ज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है फ्लाईव्हील जो होता है अपना हाई ग्रेड कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम्प। सम्प क्या होता है कि नीचे जब अपना जो ऑयल टैंक होता है, ठीक है, तो ऑयल टैंक जो नीचे होता है उसको में हम लोग जिसमें हम लोग ऑयल को स्टोर करते हैं उसको हम लोग सम्प बोलते हैं। तो सम्प अपना माइल्ड स्टील या फिर कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय से बनेगा, ठीक है। जो अपना स्टब एक्सल एंड ट्रैक आर्म्स होता है वो क्रोमियम स्टील से बनता है। जो अपना एक्सल है वो क्रोमियम स्टील से बनता है। अपना जो हाफ शाफ्ट है वो क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम स्टील से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है गियर्स। जो गियर्स होता है अपना निकल क्रोमियम स्टील से बनता है।
तो नेक्स्ट है अपना रोड स्प्रिंग। तो जो अपना रोड स्प्रिंग होता है वो सिलिकन मैंगनीज स्टील से बनता है। रोड स्प्रिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये अपने जो हम लोगों ने कार्स या फिर व्हीकल्स या फिर अपने मोटरसाइकिल में हम लोग जो सस्पेंशन स्प्रिंग देखा है ना, उसको हम लोग रोड स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंशन स्प्रिंग को हम लोग रोड स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये किससे बनता है? सिलिकन मैंगनीज स्टील से बनता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।